वंदित शम सिद्धि धूम चलमणागंगई पत्ते बोच्छामि समय पाहु मणमाशुन केवली वणिधन नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावांतर चिदे। बात एकदम सरल है, कठिन नहीं है। अपन ने इसकी जो कल्पना की है ना, वो कठिन है। शकर की मिठास स्वीकार करने में जितनी सरलता है, ऐसी भगवान आत्मा ज्ञायक है, इतनी सरल बात है। नमक कैसा होता है? खराब होता है। जितनी सहजता से इसे स्वीकार किया ना, ऐसे ज्ञायक है। लेकिन हमने क्या किया है, चार कसाई के चक्कर में उसकी सरलता से उसे स्वीकार नहीं किया है। देखो, आप सबको भी अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा। जब आपको मरण का भय होता तो आपको ये कब लगता है कि आत्मा मर जाए? लगता है आपको? कभी नहीं लगता अपने को आत्मा मर जाएगा। तब यही लगता है कि इस देह का वियोग हो जाएगा। लेकिन देह के वियोग में, एकत्व बुद्धि में, और आत्मा का वियोग जैसा लगने लगता है, फिर क्या होगा? मर जाएंगे तो क्या होगा, इस शंका होती है। लेकिन यहाँ देखो, वस्तु स्वरूप कितना सुंदर। पहले अपन इसका भावार्थ पढ़ता हूँ, कल की गाथा का 229, उसका भावार्थ देखिए। चर्चा तो क्या, इसमें से एक एक शब्द समझाओ तो समय बहुत लगता है। आप पढ़ो, नहीं समझ में आया तो आप पूछेंगे तो हम बता देंगे आपको। सम्यक दृष्टि ने जे कर्म नो उदय आवे छे, सम्यक दृष्टि ने जे कर्म नो उदय आवे छे तेनो ते स्वामित्व ना अभाव ना ली दे। ये पकड़ लो, अंडरलाइन, तेना स्वामित्व नो अभाव ने ली थी। इसमें आई बहुत बड़ी बात। हम कर्म का उदय आया और उसके स्वामी बन जाते। जैसे आज तुमने बिजनेस में करा और रोज तो 10,000 का प्रॉफिट होता था, आज 1,00,000 का हो जाए तो एकदम ऐसा मजा आ जाता है, कहाँ गई आत्मा? गई होगी कहीं, हमें क्या करना, मैंने कमाया। अरे, 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट का, पुण्य के उदय का स्वामित्व नहीं लो? देखो, स्वामित्व नहीं लिया उसने, इतना ही तो करे ना। देखो क्या करता है वो, करता थतो नथी, करता थतो नथी। जेम टपाली होए, पोस्टमैन, कभी 10 रुपये का मनी ऑर्डर बांटता है, कभी 100 रुपये का बांटता है, और किसी को 1,00,000 का बांटता है, किसी को 1 करोड़ का बांटता है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ का नहीं बांटती, आज की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन दृष्टांत है। तो कभी उसे ऐसा लगता है, चौड़ी छाती, मानो हमारा एहसान, ऐसा लगता है उसका। देखा, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पैर छुआ, 100 बार थैंक से देखो, कहाँ कहता है ऐसा? क्यों? वो स्वामी नहीं है। देखा, इन करेंसी को रख करके चलना, फिर एक एक करेंसी बांटना, वो उसका स्वामी नहीं है। सही सही बताओ, 10 रुपये का मैं कट मनी ऑर्डर बांटे तो अभी उतना ही साम्य भाव, और 1,00,000 का बांटे साम्य भाव, कितने का स्वामी है? पगार नो स्वामी छे, जितनी उसकी पगार मिलती है, वेतन मिलती है, उसका स्वामी है वो, उससे ज्यादा का स्वामी नहीं है वो। अरे साहब देखो, जेब में 1,00,000 रुपए लेके निकल रहा है वो, उसे कोई आनंद नहीं देगा। ठीक है, बांटते हैं, पर ऐसे ही हूं तो जानना रुच हूं, बस मेरा काम तो केवल जानन 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 रूप रहना, जानना भी नहीं, जानना भी नहीं, अमुक गे को जानू कि अमुक गे को जानू, ये भी नहीं, जानन रूप रहता हूं। उस जानन में क्या झलक जाता हमें खबर नहीं, पुण्य झलको पाप झलको हमें क्या, हमारे तो खबर नहीं। मैंने इतना सरल सहज, अब बताओ इसमें क्या कठिन है, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। फिर लगाओ आप, अब जी यहां लिखा है ना, क्या कर्म न उदय,
यहाँ पर पावर है, जैसे ने फाइव पावर कही थी ना, फाइव पावर, पावर फाइव फाइव फाइव, यहाँ कर्म ना उदय। अब आठ कर्म, 148 प्रकृति, और फिर इनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद खोले जाओ। किसी ने आपकी गाली दी, आपको एकदम डिप्रेशन हो गया, दुखी हो गए, शंका मत करो, तुम क्या कही हो, अभी भी शंका नहीं करो, सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, क्यों, ये अप्यास प्रकृति का उदय है, इसने मुझे गाली दी, मुझे दी, ये तो कहने की बात है, मुझे कहाँ दी, शंका ही नहीं है, मुझे दी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई गाली दे सकता ही नहीं। हाँ हाँ, जिसका स्वामी तो ज्ञाता स्वभाव में आ गया, अतीन्द्रिय स्वभाव में आ गया, अमूर्तिक स्वभाव में आ गया, उसे गाली की दुख कहाँ से हुए, अभ्यास का दुख कहाँ से हुए। ये साहब आपने देखा नहीं, सीता जी रो रहे थे, अरे जो रो रहा था वो चारित्र मोह है, आत्मा कभी रोता नहीं, क्या कह रहे हैं, कौन रोया था, कौन रोया था, कौन कहाँ देख रहे थे, चोरी पकड़ी गई। क्या गजब है, ये सब रामचंद्र जी छाई समकी थी होने पर भी, है तो क्या हुआ, ये जितना तुम नाटक देख रहे हो ना, ये आत्मा का नहीं है, ये आत्मा की लीला नहीं है, ये चरित मोह की लीला है। किसका प्रवचन चल रहा है, नाम बोलो, आपका बोलो भैया, कौन का प्रवचन चल रहा है, ये है बोलो ने, तुम्हारा चल रहा है चरित मोह न, आप बद्दू लीला चरित मोहनी है हमारी नती। हम तो ज्ञाता हैं, अब बता जिसको ऐसा आनंद हो, अब निकलेगा गीत, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, मजा करो बस। पहले आने का ज्ञाता था, जाने का ज्ञाता, पहले पाप के उदय का ज्ञाता था, अब पुण्य के उदय का ज्ञाता, अब आगे ना समझ में, प्रैक्टिकल समझ में आया, अब इसलिए इसमें चाहे जितना प्रयोजन हो सकता है, अब आप अप्लाई करो, हमने चार छः सवाल करा दिए, बाकी सवाल आप करो, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, लेकिन ध्यान रखना मोह है ना, मोह ये बहुत खतरनाक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10-50 प्रवचन तो मोह पे ही करूं। मतलब लेखनी नहीं चलती, नहीं तो मोह पे इतना लेख लिखूं, पूछो ही मत, मोह मालूम क्या करता है, जहाँ पर उसको मजा आता है ना, वहाँ भेद विज्ञान नहीं करने दे रहा, बाकी में कर लेगा, बाकी में करा देगा, मतलब कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करो, वो उसको सुरक्षित रखेगा। क्यों, आप क्या खाते हो, बस पंडित दाल रोटी खाते, झूठ बोलते हो, और कांदा लहसुन खाते हो, नहीं नहीं वो कभी कभी खाते, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, जब तुम दाल रोटी बोल सकते हो तो कांदा लहसुन बोल के बताती, लेकिन वो है बोलने कैसे थे वो, पंडित जी आपके सामने, इतनी पब्लिक के सामने, अरे तो जी हम सबके सामने तो शर्म आती है, और आनंद सिद्धों के सामने शर्म नहीं आती, क्यों, 8,98,502 केवली भगवान तमें जोए छे, तब शर्म नहीं आती तुम्हें, एक शिष्य को गुरु से शर्म आ रही है, जे शर्म नहीं आ रही कर्म का कर रहे हैं, कर्म क्या होगा, और फिर वो 3,09,00,00 महिराज और वही फिर आनंद सिद्ध भगवान, उनकी शर्म नहीं आती, समझ आया, अरे रे अरे प्रभु ये दुख कैसे सहेंगे, ये कर्म का होता है, इसलिए स्वामी मत लो, स्वामी मत लो, इतना सही काम करना, कुछ नहीं करना, प्रवृत्ति रोकने का उपाय नहीं चल रहा, देखो क्या कह रहे हैं, प्रवृत्ति रोकने का उपाय नहीं, उपदेश नहीं बताया जा रहा कि अमुक प्रवृत्ति करवू जो ही है और अमुक नथी, ऐसी बात नहीं चल रही, क्या कह रहे हैं, जो हो है वो कर्म का उदय है, बस उसका स्वामी मत लो, खत्म, इतना सा काम, हम है ही नहीं स्वामी, जिसके हम स्वामी नहीं होते कैसे चुगली कर देते हैं, बोला नहीं कर देते, समझ लो, अपने घर के दीकरा दीकरी बहुत अच्छे हों, बहुत ही बढ़िया, आज भी आदर्श अपने घर जैसे रहते हों, तो उस पिताजी की आवाज निकलती है, आजकल के पंचम आ रहा ना, छोकरा छोकरी है, देखो देखो देखो, उनकी लड़की भाग गई, उनका लड़का ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो, ऐसा चोरी छाती, और खुद का हो जाता तो फिर नहीं बोलता, फिर क्या तुम्हें तुम्हें अच्छा लगता है, अब पंडित जी क्या बताएं, देखो अपन ने तो समझ लिया, पंचम काल है ऐसी चलेगा,
भा अब तू भेद विज्ञानी हो गया, मैंने अपना छोकरा छोकरी की बात आए तो भेद विज्ञानी हो गया और दूसरे की बात आए तो चौड़ा हो जाए ऐसे ही, समझ में आया? अरे गजब है भैया, ये मोह काय का परिचय दिया आपका, मोह का हमने देखा है। हमारी रिलेटिव थे तो उन्हें दूसरों के बच्चे जब लेटरिन कर दें बाथरूम कर दें तो ऐसी गिलानी करते थे, नहीं अपना छोकरा उठाओ, हमें पसंद नहीं है। तो संयोग से उनकी संतान ही नहीं हुई तो फिर उन्होंने गोद लिया। अब गोद लिया तो अब वो तो जैसा मिलेगा वैसे ही मिलेगा, गोद कौन तुम्हारी चॉइस से मिलेगा, हमने खुद देखा आंखों से। अब जब छोटा सा लाए हॉस्पिटल से गोद में, लेटरिन भी करे बाथरूम भी करे, इतनी गुणगान करें जैसे देवता के गुणगान करती हूँ, ऐसे बहुत समझदार है। भाई साहब पंडित जी फला जी ये जी जो भी नाम ले बहुत समझदार है, कभी ऐसे नहीं करता, मंदिर में चुप बैठता है बिल्कुल, ऐसे करता है पाँच ऐसा करता है, मैंने तेरे को अब उसके हर गुण नजर आने लगी। और दूसरे के बच्चे लघु शंका भर कर दे लेटरिन कर दे सही है, हमें तो सुगलो छे सुगड़ो। अच्छा वो सुगला हो गया, अब समझ आ रहा है आपको, इस जीव को ये मोह है, मोह समझ में आया। अरे गुणेशु प्रमोदम तो तब हो जब तुझे भगवान आत्मा नजर आए, देह से भिन्न नजर आए, अब तुझे देह ही देह नजर आए तो सुगलो लगे ओ होगा क्या। इसलिए तीन चार एग्जाम्पल दिए मोह के, तुम देखना जरा बारीकी से, हम अच्छी बात बता देते हैं जितनी आराम से, उतनी जल्दी बुरी बात नहीं बताते, जबकि अच्छी और बुरी प्रवृत्ति दोनों ही। मैंने बहुत लिखा भी है थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल डायरी में ये मोह के बारे में बहुत। यदि हम अंजन चोर की कथा लिखते हैं तो हो सकता है हम उसके सप्त व्यसन की बात ही ना कहते ही नहीं। हम अपने बारे में अच्छा परिचय दे सकते हैं, खराब परिचय दे सकते हो। अंजन चोर के बारे में तो कैसे लिखा होगा बोला, क्यों समन बस स्वामी की वो कथा लिख सकते हैं अपन, जब शिव पिंडी के सामने चले गए और निसंकेतन का पालन चल रहा, देखो विश्वास होगा किसी को निसंकेत रह सकते हैं वहां, और शिव मंदिर में चले गए यहाँ। अरे रे गजब बात है, यहाँ तो ये कहते हैं वज्र जैसा वज्र पात हो जाए तो भी निशंकित होता है, भय नहीं होता उसे। बाकी तो इसमें पढ़ लेना आप भावार्थ में, बहुत जोरदार है, समझ में आया? घटाने की पोजीशन समझ में आई, कहाँ घटाना है। देखो नहीं नहीं सुन के मत बोलो, नकल नहीं करो, कर्म न उदय एनो स्वामित्व नदी आहा, इसका स्वामित्व नहीं है। देखो अभाव ने लीधे स्वामित्व ना, अभाव ने लीधे करता थतो नदी माटे भय प्रकृति ना उदय आवता छता, भय प्रकृति ना उदय आवता छता, लेकिन भाव में भय नहीं होता। गजब देखो आप, भय प्रकृति में भाग रहा है ऐसे डर रहा है, हे मर जाएंगे हम, तड़प रहा है ऐसे, और अंदर में भय प्रकृति का उदय, बाहर में दिखाई देने पर भी अंदर में उसे भय नहीं होता, निसंकित रहता है। देखो आगे चले, पण सम्यक दृष्टि जीव निसंग रहे छे, आहा क्या गजब कलश, स्वरूप ती च्युत थतो नथी आम होवा थी, कलश नहीं टीका का भावार्थ है ना, च्युत थतो नथी स्वरूप थी। इसका दृष्टांत मैंने जब जैन सिद्धांत प्रेस का चलाई थी तब दिए, मैं सब बताऊं एक भी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, जैन सिद्धांत प्रेस का मैं सब आ गया। आप घर से पुराने सोना का सामान ले जाओ, टूटी हुई अंगूठी, घिसा हुआ हार, टूटी हुई बंगड़ी ले जाओ ना, तो अपन अपनी हिम्मत नहीं है कि अपन बंगड़ी हुई ऐसे कर दें, अपनी हिम्मत नहीं, चेयर यदि गल गई है और गलवाने ले जा रहे हैं तो ऐसे तोड़ दें, अपनी हिम्मत नहीं, अपन तो बिल्कुल नहीं, अपन तो उसको ऐसे ले जाएंगे बिल्कुल बहुत आराम से, बिल्कुल ऐसे बहुत संभाल के भैया, बिल्कुल ऐसे ले जाएं। और उसने वजन किया, सुनार ने वजन किया, ए लिया एक दिया थोड़ा मिला गया, तुम नहीं दे सकते तुम में दम ही नहीं ये तुम टूटे हुए सोना में भी हथौड़ा या पत्थर मार दो,
तब नहीं कर सकते उसने ए, अपन ऐसा लगता है एक तब ऐसा लगता है और फिर उसने ऐसे पकड़ा और अग्नि की भट्टी में ऐसे डाल दी। मुझे तो ऐसा डर लगता था कहीं खो गया तो, भट्टी में इतनी जगह है कहीं घुस गया तो, कुछ हो गया तो। बोलो आपका सोना तोल लिया ना हमने, आप तो इतना ही ले लेना, आप घर जाओ, क्या निशंक है देखो। मैंने देखा है गलाते हुए, बाद में हटाए निकले, पानी हो जाए बिल्कुल ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर निकले। एक कण का लॉस होने का डर नहीं है कि राख में चला गया एक कण तो, कोयले में चला गया तो, भट्टी के कहीं छेद में घुस गया तो, क्या निशंक परिणति है। अब एक दो बार आप भी देख लोगे तो, जब पहली बार तकलीफ हुई थी ना, दूसरी बार तकलीफ हुई थी, फिर भी आपको निशंकित अंग है। काय बात की निशंकता है, भले ही इसने इस तरह डाला है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे घबराहट हो गई एकदम, फिर भी सोना तो सुरक्षित ही है। हा 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 हा, ऐसे ही चाहे जैसा पुण्य का उदय हो पाप का उदय हो, हम स्त्री तो नहीं हो सकते, पुरुष तो नहीं हो सकते। लगता है, लगता तो अभी भी लगता है अपन पुरुष है, लेकिन लगने पर भी निसंकेत, आत्मा कभी पुरुष होता नहीं है। लगाते जाओ बस, अब लगाते जाओ कर्म के उदय को लेकर के। आपने हमें गालियां दी, हम निंदित हो सकते नहीं क्योंकि मैं निंद पदार्थ नहीं हूं, मैं परम पूज्य पदार्थ हूं। ले करो तुम, अब मजा आ रहा है, करो करो। अब जी मोह होता है ना, मोह मुझे, अच्छा बिग तुम गाली दे रहे हैं, विभिन्न बात गाली दे रहे हैं, ऐसे कैसे दे सकते हैं, जरा तुम देख लो उन्हें, तुम भी उन्हें समझा दो, तुम उनसे बात नहीं करना आज के बाद, और ऐसे मुंह कर लेना और ऐसे सड़न कर देना। जी मोह के नाटक है, जी मोह के नाटक है। और हमारा हमारा एक लाइन का भेद विज्ञान बोलो जरा, अभी बोला था कोई लाख गालियां दे, हाँ मैं निंद पदार्थ नहीं हूं, निंद तो पाप का उदय है, निंद तो पाप का उदय है। कौन सी प्रकृति? अभ्यस्त प्रकृति, वो निंद है। हम तो पवित्र पूज्य पदार्थ हैं। क्या लिखा है इसमें? पूजित पंचम परिणति, हम तो परिणामिक भाव हैं, हम तो ध्रुव भाव हैं, हम तो ज्ञायक भाव है। अब करो गाली दे, देते रहो, करो बुराई, ऐसे मजा आता है। अब कर लेना ये लाइन, ना तुम्हें कोई सुख हो जाए तो कह देना, ना अतिंद्रिय आनंद आए तो कह देना, लेकिन दिक्कत तो वही है मोए। बात तो हाँची से माटे छे, क्यों सांभवा माटे ओनली बस। अरे सुनो, अब भी से आनंद करा, मैंने आप देखना, आप बस मोए को देखते जाना, आगे देखो निशंक रहे छे। देखो निशंक के तंग जाने बिना आप समाज में जिंदा नहीं रह सकते। क्या कह रही? आज अपने निशंकित अंग की खबर नहीं है, इसलिए हमारे विघटन होता है, विघटन। कल्पना करो आप मेरे कमरे में आओ और आप मुझे कुछ करता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, उठता हुआ, बैठता। देखो मैं कुछ नहीं खाऊं ना तो बहुत अच्छा लगूंगा, कुछ नहीं खाऊं बहुत अच्छा लगे, और कुछ खा रहे हो तो वो दृश्य आपको अच्छा नहीं लगेगा, खाते पीते नहीं देख सकते आप। अरे यार पंडित जी ना खाना खा रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, या फला कर रहे थे, ये मान के चलो जैसे खाने की स्टाइल नहीं होती, जिसको हम मैं अपनी भाषा में कहता हूँ चपर 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 चपर, समझ खाने की स्टाइल। तो आपको मेरा सारा ब्रह्मचर्य सब एक धूल हो जाएगा, ऐसा पंडित जी कैसे खाती, मुंह में घूमता हुआ दिखाई देता है वो। क्यों कैसा लगता है? और पंडित जी तो हंस हंस के खा रहे थे ऐसे ऐसे, और भाई बहुत बढ़िया लड्डू बना, वाह लाडला वाह लाडला, आपको ऐसा लगे खा गया ब्रह्मचारी। मैंने बस गजब हो गया, इतने से एक उदय को देखा आपने, इतने से उदय को देखा और पूरा भगवान आत्मा मलिन हो गया, बस पूरा ब्रह्मचर्य गया एक जरा सी बात देख के ही। इसीलिए निसंकेतंग समझे बिना अब हमें ये मालूम होना चाहिए इस उदय से भिन्न भगवान है, भिन्न है। अरे निसंकेतंग के बिना आप मुनियों की सेवा नहीं कर सकते, सही बताए ना? दो मुनिराज हों, एक बहुत अच्छे रूपाड़े हों और एक जरा वैसे हों 80-90 साल के, बिल्कुल ऐसे। और जब दांत पूरे चले गए, दांत चले जाने में तकलीफ क्या होती पता है? कि जब बोलते हैं ना तो दंती स्वर नहीं बोल पाते, औष्ट स्वर बोलने में बड़ी तकलीफ आती है। तो अब वो बोले और अपन उसकी आवाज़ समझ नहीं पाए, सही बताए ना? दोनों मुनिराज में से कौन के पास ज़्यादा भीड़ जाएगी?
बता दोनों में से किसको आहार दान देने में मजा आएगा, सही बताना ईमानदारी से, दोनों में से कौन के फोटो लगाओगे, बोलो बोलो। बहुत कठिन काम है। अरे रे निसंकित दृष्टि है, निसंकित, हमें शंका ही नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कर्म का उदय है, 80-90 साल का ये कर्म का उदय है, ये दांत चले गए ये कर्म का उदय है, उसमें भगवान क्या करे, अंदर में तो प्रभु है। अब भी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए, अब इतनी हिम्मत की बात, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए जीव, ऐसा परमेश्वर है। अब इसके बल पे तो तुम सेवा कर पाओगे, और नहीं देगी लगे ना, आपको पता नहीं जुगुप्सा नाम का पाप लगता है अपने को, अभी आएगा इसमें निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा। अरे रे उस परिपूर्ण परमात्मा को जानने के बाद इस कर्म के उदय के काल में उस परमेश्वर से जुगुप्सा नहीं होती, घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती। अनेक अच्छा अंदर अंदर हाथ रखो, बोलो आप जरा सा हमारा कुछ होता है देख लो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते और जुगुप्सा हो जाएगी। तो जुगुप्सा तो सम्यक दृष्टि का दोष है, गुण थोड़ा ही है। अरे यहाँ तो इतनी ताकत होनी चाहिए क्या बताएं, बताएंगे अभी नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे, क्योंकि उसकी चर्चा का पॉइंट आगे है ना, अभी से क्यों बताएं, अभी तो फिर से बोलो बोलो भैया क्या बात चली है निसंग के तो हमें भी मालूम है बात, बोला हाँ कर्म के उदय में क्या नहीं लेता, स्वामित्व न अभाव ने ली थे। आ हा हा भाई ये बहुत अच्छी लाइन है, मतलब आपको सुखी होना हो तो दुकान में लिख लो, घर में लिख लो, ज्ञानी कर्म न उदय मां स्वामित्व ने ली दे, शंका थती न थी, अभाव ने ली दे न, अभाव के लिए देखो अभाव ने ली दे, क्या गजब, करता था तो न थी माटे भय प्रकृति नो उदय आवता छता, पण सम्यक दृष्टि जीव निशंक छे, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने गोद में बच्चा है और गंदगी करता है, तो माँ ने सोचा कि अपन अभी काम करो, अभी से सिखाना शुरू करो। पहले लोग 6-8 साल में सिखाना शुरू करते थे, अब 2.5 साल में शुरू हो गया और उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो यदि कोई बिल्कुल मैटरनिटी होम ही मिल जाए ना स्कूल के नाम पे, तो जन्म से ही बच्चे को वहाँ डाल देंगे भाई, संभालो। खैर हमें तो दृष्टान देना, अब वो उसने पहले दिन से ट्रेनिंग दी, देखो बेटा हम बहुत लाड़ से कह रहे, प्यार से कह रहे, तुम्हें लघु शंका करना है ना, तो ऐसे ऐसे इशारा कर देना, मैंने कोई ना कोई इशारा बता दिया बच्ची को, और ऐसे ऐसे कर, भूख लगे तो ऐसे ऐसे कर देना, एक दिन दो दिन 10 दिन 15 दिन, अब वो तो 6 महीना में भी नहीं सुधरा, तो फिर उसे शंका हो जाती है कि ये नहीं सुधरेगा, क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अरे कितना ही ओट पाए करे, कितनी खटपट करे, तो भी माँ को लगता है मेरा बेटा ये निर्दोष है, और एक दिन पूर्ण निर्दोषता प्रकट करेगा, पूर्ण निर्दोष पुरुष बनेगा, निर्दोष सेवक बनेगा, निर्दोष साधक बनेगा, निर्दोष भैया वृत्ति करेगा, बोलो लगता है कि नहीं लगता है। मैंने इतनी गलतियां दिखाई देने पर भी बालक को के प्रति प्रेम कब आता है आपको, निसंगता के बल पर। ऐसे ही हमें कितने ही कर्म का उदय दिखाई दे, लेकिन आत्मा कर्म से अप्रभावी है, आत्मा कर्म से, कल की भाषा में बोलो ज्ञान ज्ञाकार बनते ना ज्ञाकार, तो ज्ञ से अप्रभावी है, अर्थात ज्ञाकार तो ज्ञानाकार ही है। ले आनंद, अब इतनी सी गुत्थी समझ में आ गई, मजा मजा है, बस आनंद ही आनंद करो अनंत काल तक। ज्ञानकार किया कर समझ आया, नहीं कठिन तो नहीं लगता, ऐसे निशान कराओ, कुछ होता ही नहीं, टेलीविजन में कुछ हुआ ही नहीं, दर्पण में कोई कुछ हुआ ही नहीं, एक गायक में क्या हुआ आज तक, कब, कभी नहीं हुआ। अच्छा आज पाप का उदय आएगा, तो अब पाप के उदय में भी हमने 2-4 ही गिनती के रखे, दिक्कत ये असंख्यात लोक प्रमाण है। आज ही तुम्हें ऐसा भाव आ जाए कि परिस्थिति सेवन करें, क्या बात कर रही हो, अरे तो ये भी एक गे है भैया, भाव ही तो आया, रुको वेद विज्ञान करो, छोड़ो मत उसे लापरवाही से, छोड़ो मत, आ जान दे आ गया तो कोई बात नहीं है, उससे पापी नहीं हुए तुम, पापी तो तब हो जाओगे जब तुमने उसे लेट गो कर दिया, जब तुमने वेद विज्ञान नहीं किया, जब तुमने उसमें एकत्र करके गिलानी करके, अरे अपन नहीं सोचो, अपन नहीं सोचो, अच्छा एक काम करो इधर देखने लगो, तो इधर देखने से कोई वो विकार चला नहीं गया, करवट बदल लेने से विकार चला नहीं गया,
इसलिए मैंने इतना खोटा एग्जाम्पल दिया। चोरी का भाव आ जाए, भला का भाव आ जाए, डरो मत, ज्ञाक्रांत मत हो, ज्ञाक्रांत मत हो। ज्ञानी की ताकत ज्ञाक्रांत नहीं है। चाहे जैसा जगत, चाहे जैसा कर्म का उदय जानने में आने पर भी वह उस रूप अनुभव नहीं करता, इसलिए आनंद में रहता बस। आगे समझ में वो भैया समझना नहीं तो गड़बड़ करो। देखो मैंने तो इसलिए कहा कि असंख्यात लोग प्रमाण भाव है ना, तो कभी कैसे ही भाव आ जाए, जैसे अपन सबसे गंदा मानते वो भी आ जाए, तो भी उस काल में तू उसका स्वामी नहीं बन। स्वामी कैसे बन गए? या तो हम उसे देखते नहीं, ये भुलाने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं मिटेगा नहीं, ये छिपाने के लिए तर्क सोचते हैं, ये सब मोह के धंधे हैं। ज्ञान के धंधा तो ऐसा है मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञान की आवाज क्या है? मुझे कुछ हुआ ही नहीं। दर्पण में कितनी अग्नि जल के बोला, कितने बम विस्फोट हुए, गाथा 320 समय सार जी बोला भैया आंख अग्नि को देखते हुए गर्म नहीं होती और आंख गटर को देखकर अपवित्र नहीं होती, जैम तैम। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञायक ज्ञेयों से कभी रागी देसी पापी लोभी गंदा मलिन हुआ ही नहीं। अच्छा सही बता, बुरे भाव आए तो अपन मलिनता का अनुभव करते हैं जी, आश्रम बंद है, ठीक है। आज कल्पना करो, ये बात तो नहीं बता सकते अपन, तो ये असत्य है, छिपाते ही मायाचारी है, ठीक है। अब इधर चलो थोड़ा, आज मान चलो बिल्कुल विचार नहीं आया आपको, खूब पूजा पाठ करी, खूब स्वाध्याय किया और ज्ञाय के ज्ञाय का चिंतन चला, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सुनो, जो पुण्य के उदय का स्वामित्व हो गया, जैसे गंदे विचारों में आश्रम बंद में एकत्व करके वो चार गति में जाता था, ऐसे अच्छे पुण्य विचारों में भी एकत्व करता हुआ, प्रभुता अनुभव करता हुआ, मोटप अनुभव करता हुआ, एकत्व बुद्धि करता हुआ नरक में जाता है। सीधे नरक नहीं जाएगा तो निगोद में चला जाएगा। पंडित जी क्या मतलब? अरे आखिरी में चला जाएगा, घूम फिर के जाएगा, पंचास्ती का जी मिल गए, ये सीधे तो नहीं जाएगा। सीधे नहीं जाएगा मतलब लेकिन वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से मत चला जाएगा, खत्म हो जाएगा काम, सीधे नहीं जाएगा। हाँ भाई मोटअप का है कि लेनी वाला, वेद विज्ञान करा। आज अच्छा भाव आया ये भी कर्म का उदय था, बुरा भाव जानने में आया वो भी उसका उदय था, और हम दोनों काल में अब करो आनंद, बस करो थोड़ी देर, रोज शांति से बैठना सीखो, मजा आ जाएगा। कभी घाटा हो जाए तो ही मजे से बैठो। देखो अपना क्या था, दो रोटी पहले खा रहे थे आज भी खा रहे, चार रोटी पहले खा रहे अब खा रहे, कपड़े उतने ही पहन रहे, घर वही है, अब हुआ क्या फर्क? तो पुद्गल में ही पड़ा, अपने में क्या फर्क पड़ा? अपन माता नहीं पड़ेंगे, मरते समय 1 करोड़ कम छोड़ेंगे। मेरा ये गणित तो मुझे इतना आनंद देता है, पूछा ही बस रोजाना उसकी मैंने जब चाहे याद आ जाती है, जब अपने को लगे कोई संपत्ति में पैसे में इसमें उसमें कोई टेंशन नहीं। अरे गजब बात, ए कर्म का उदय अब तो याद हो गया सबको, जरा एक बार बोलो जरा क्या बोला, कर्म न उदय न स्वामित्व नो अभाव ने लीधे शंका थती नती, या करता थतो नती माटे भय प्रकृति न उदय आवता छता पण सम्यक दृष्टि जीव। गड़बड़ है पंडित जी, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो आप, हमारी मिथ्या दृष्टि की भी तो करो आप, तो सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि गीत गा रहे, हमारी भी तो कर, मूवी रख, तू निशंक हो जा। तू निशंक हो जा, तू सम्यक दृष्टि निशंक हो वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि निशंक होता है ऐसा नहीं है। गजब बात, देखो स्वरूप थी चुत था तो ही नहीं थी, देखो स्वरूप माने ज्ञान के, ज्ञा का रूप अनुभवता ही नहीं, ज्ञे रूप अनुभवता ही नहीं, ज्ञेयों का अपने में प्रवेश मानता नहीं और अपना ज्ञेयों में प्रवेश मानता नहीं, ज्ञान ज्ञे में नहीं जाता और ज्ञे स्पष्ट है बिल्कुल। बोलो आत्मा पवित्र कब हो जाता है? बोलो है हो जाता है जब गंदे विचार आते हैं, नहीं हो जाता? अच्छा चेहरा कैसे दुख जाता है फिर, आंख कैसे बंद हो जाती है, ऐसे क्यों हो जाती हो? कि पंडित जी वो सब चारित मोह का काम है, मेरा काम चारित मोह के उदय में सब होता है लेकिन मैं ज्ञाता रहता हूँ।
हमें तो सच में वरदान स्वामी जी का वरदान है जी सब, नहीं दिए छिपे पड़े रह जाते अपन, कहाँ पढ़ पाते नहीं कौन। अब बताओ कठिन लग रही है भैया, कितनी सरल लग रही। और अभी भी जगत को ऐसा लगता है एम ए नहीं बात छे, एम ए नहीं, अरे काई एम ए नहीं बात छे प्रभु तारी बात छे। चल आगे, कर्म रस आपी ने खरी जाए छे, कर्म रस आपी ने खरी जाए छे। क्या गजब है, हिम्मत तो बहुत चाहिए अभी आपको, सुनने में भी पसीना आता है, देखने में तो और ही घबराहट लगी। फिर वही दृष्टांत देता हूँ, 96,000 रानियों के मध्य जाता हुआ कर्म रस आपी ने खरी जाए छे, छह खंड को जीतता है ये, इस चक्र चला रहा है, चक्र भरत बाहुबली चक्र चला रहा है, कर्म रस आप ही ने है हिम्मत है, बड़ ताकत लगानी पड़ेगी, गजब बात है, है? आई विश्वास हो जाए तो मजे मजा आवे बस। क्यों आपको कर्म की निर्जरा जल्दी करना ही देर से करना है, बोलो कर्म की निर्जरा जल्दी करना ही देर से करना है। आज ये तो हमें ही मालूम है, हम जो पूछ रहे वो बताओ, हम जो पूछ रहे वो बताओ, पता हमें ही मालूम आपो आप थी जाए लेकिन कर्म की निर्जरा जल्दी करके मोक्ष जाना है कि देर से जाना चाहिए जल्दी। तो अब देखो ये ऐसा जिसका विचार होगा ना अभिप्राय, वो तो एक खुश होता है, देखो जी हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें निर्जरा हो रही जल्दी जल्दी, और दे और दे और निर्जरा हो रही ज्ञानी को तो मजा ही मजा है मन आप मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, दिगंबर मीरा जी बैठी उपसर्ग शुरू हुआ भी समझ गया निर्जरा का काल आ गया, ग्याहक देखो ग्याहक देखो निर्जरा काल आ गया, अब भी आ रहा केवल ज्ञान, ग्याहक देखो अब भी आ रहा दे बेटा और कर मन उससे राग द्वेष नहीं करते, उन्हें मालूम है कर्म रस आप ही नहीं करी जाए, आनो दोष न थी निमित्त नो दोष न थी, ये बेचारा क्या करेगा, इसकी तो दम ही कुछ नहीं है, ये तो परिपूर्ण अकर्ताज है। अब राग द्वेष कहां से करे, इसका नाम वीतराग भाव। हम कह रहे आज ही प्रयोग करके देख लेना, आप क्या करते हो, जैसे सास ने डांटा या पिताजी ने आपको डांटा भी अकल हो बिल्कुल ऐसा वैसा, तो ऐसे सुनते थे अपना चेहरा उतर जाता कुछ हो गया, अब माहौल पूरा खराब हो गया। लेकिन आप जी सोचो उसी समय, अब सोचो जी कौन सी बात, कर्म रस आप ही ने करी जाए, अब आपको मजा आ रहा है क्यों, अब आपको करना कुछ नहीं है, जब आपको सम्यक ज्ञान होता है ना वेद विज्ञान, तो आप चेहरा सौम्य हो जाता है, अपने आप ही मजा आने लगता है, अच्छा लगता है। तो फिर पिताजी देखेंगे सकल तो रोज से डिफर दिखाई देगी, फिर और चिल्लाएंगे थोड़ी देर, तो बस बंड हो गए हैं, सुन रहे हैं, कान के पक्के हैं, जना नहीं है, अपन मजा कर रहे। फिर उस समय वो उनको गुस्से में है ना, तो उन्हें भी तुम्हारी शकल नहीं दिखाई देगी, मतलब भेद विज्ञान नहीं दिखाई देगा, तो इधर उधर हो जाएगी, फिर पत्नी को सुना देगी, फिर उनको सुना देगी, फिर उनको सुना, फिर एक बार बोलेंगे एक बात बता, मैं एक महीने से देख रहा हूँ, मैं तुझे डांटता हूँ और तेरे कुछ रिएक्शन ही नहीं आता, और तब तुम जो लाइन सुना ना, पापा कर्म रस आपी ने खरी जाए थे मेरी निर्जरा जल्दी जल्दी होती है, तो मैं तो वीतराग भाव को आनंद लेता हूँ, ज्ञायक भाव मने वीतराग भाव, मैं तो आनंद लेता हूँ, और आपकी बात तो साची छे, बात तो आपकी जो कुछ है वो गलत नहीं है, वो मैं भी समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका दोष नजर आता है नहीं, और मैं जानता हूँ कर्म का उदय रस दे करके जा रहा है। अब बोलो कैसे संबंध होंगे पिता पुत्र के, बोलो सास बहू के संबंध कैसे होंगे, सास ने दिन भर डांटा तो बहू उसी समय से एक परिणाम करती है, अब मैं नहीं दवा रही इनके पैर, अब खा लें अब पिलाऊंगी, मैंने मर जाए दवाई तक नहीं दूंगी, ऐसा सोच रही। लेकिन सम्यक ज्ञानी ऐसे नहीं सोचेगी, सास ने डांटा कर्म रस आप ही ने खरी जाए छे, अपन तो अभी शाम को जाएंगे सेवा करेंगे प्रसन्नता करेंगे बात करेंगे दिल जीत लेंगे, उसमें क्या बात है, अभी उनको तीव्र कसाई का होता है, अभी मत बोलो अभी चुप रहो, बाद में चली गई जब दबाने लगी, या दोपहर में सोई तो दोपहर भी दबाने लगी, तो चली जाऊँ यहाँ से, बड़ी आ गई हाथ पैर दबानी, अच्छा माता जी सॉरी, फिर बड़बड़ाती रही, फिर वो चुप रहेगी दबाती रहेगी पैर, अंदर अंदर सोचती रहेगी कैसी बहू है, मैं डांट रही हूँ और पैर दबाए जा रही। फिर थोड़ी देर बाद पूछा ही, बेटा एक बात पूछे, बोलो पूछो माँ जी, कि हम तुम्हें इतना डांटते थे गुस्सा नहीं आता
करवा रजा भी ने खरी जाए मने हमें क्या की तकलीफ। आप हमारी माँ हैं, आप हमारे सास हैं, आप हमारे पूज्य हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। उसे उसे क्यों करें, वो तो निसंग ही तुम्हें। और देखो निसंगता का आनंद लगा जाओ, वापस लगा जाओ। लेकिन मोह नहीं लगाने देगा, ध्यान रखना। मोह तो ऐसे ही कहेगा ईंट का जवाब पत्थर से कोई। हम अपनी हमारे यहाँ तो गंदा वाक्य है, मतलब हल्की जाति वाले बोलते हैं हल्की जाति। हम अपनी खसम का खाते हैं, हम किसी के बंदे नहीं हैं, हम किसी के डिपेंडेंट नहीं हैं, हमें कोई का खाए थोड़ी है जो हम किसी से दबे। ये भैया ये सब कोई कौन की आवाज है? हाँ मोह की आवाज है, झट पहचान लो। ये मोह तुम्हें गड्ढे में पटकेगा, निगोद में ले जाएगा ये मोह। तुम इसके चक्कर में नहीं रहना, इसकी बातों में मत आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए निर्दय शब्द लिखा है, निर्दय। मोह से निर्दय होकर के पीछे छुड़ाओ। हट बोलत रहते, हम तो ज्ञायक है, हम तो जो हमारा सम्यक ज्ञान कहेगा वो करेंगे, तेरे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब वो मोह अस्त होगा, उपशम होगा। पहले तो छपशम होगा और अच्छा होगा। इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत है भैया, इसमें कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी सही समय पर सही अकल आए बस। आगे समझ में आया? बोलो प्रेम का संबंध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा होती है यदि इतना सा आप कर ले तो। असंख्यात गुने क्यों? हमने देखा है जब नाराज व्यक्ति होता है ना तो वो इसके आगे सोचता, वो इसके आगे सोचता। अब द्वेष, माया, लोभ, छल, बदले की भावना, षड्यंत्र और इतने इतने कर्मों का पहाड़ खड़ा कर लेता है आत्मा के ऊपर कि असंख्यात भाव लग जाए इसे काटने में। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं आपको, करना नहीं उठा के देख लो आप, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण है क्या चीज है। बिल्कुल घाटे में नहीं रहना कर्म बस अब स्कूल में झगड़ा हुआ है तो क्या करोगे? अब मोए मालूम क्या कहता है मोए? जैसे दो भाई हैं, दो भाई हैं तो मम्मी उसकी गलती पे तो कुछ नहीं कहती और अपने अपने को कहती है। तो अब अपने को इस बात की तकलीफ बहुत होती है, उससे कुछ नहीं कहती, उससे कुछ नहीं। अब उत्तर सोचो, कर्म तेनो रस आप ही ने ना खेरे अपनो खरी जाए छे। तो क्यों अपना खेरता है तो नुकसान ही फायदा है, उसकी वो जाने, उसका भी खेलेगा जब टाइम आएगा। लेकिन अपन उससे जेलेसी करके नया कर्म क्यों बांधे? मेरे पास एक लड़का आया, सच्ची घटना है, सुसाइड करने वाला था। केवल इतनी सी बात नहीं, हम दो भाई हैं और हमारी माँ बस जब देखो जब मैं बड़ा हूँ तो मुझे डांटती और वो छोटा गलती भी करे तो उससे कुछ नहीं कहती। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि उसने हमें बता दिया कि मेरा तो इतना माइंड ऑफ है कि मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे गंदे माँ बाप हैं, इतने डिप्रेशन में। तब तो एक घंटा लेक्चर दिया अलग से बिठा कर गए, तब उसको शांति मिली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं मम्मी पापा को भी नहीं मालूम, इसलिए हमें लगता है सबको ये शिक्षा देने लायक है। कौन सी? अब याद हो गया, चलो अब अगली अगला करस लें। अगली गाथा, मैं बहुत सोच रहा था आज तो निकांचे शुरू कर नहीं है, देखो फिर ने संकेत में ही आ गया वो तो भैया ऐसे ही कर। आगे देखो, हवे निकांचित फड़नी गाथा कहे छे, गुणनी गाथा कहे छे। जे कर्म फड़नी सर्वधर्म तणी ना कांचा राख तो चिन मूर्ति ते कांचा रहित संकेत दृष्टि जान। देखो अब जे नहीं कह रहा सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, अब क्या कह रहे हैं संकेत दृष्टि जान वो। अभी देखो हम लोगों में से लगभग सबकी गलती कह रहे हैं, आप एकाध एकाध की नहीं सबकी गलती समझो, हमें कोई कांचा नहीं है, हमें कोई कांचा नहीं है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, पांच इंद्र की विषयों की कांचा कह रहे हैं हमें कांचा नहीं है। नहीं सर अब वो भी नहीं है, मान लो अब हमें वो भी नहीं है, पांच इंद्र की विषयों की काम नहीं। अच्छा तो क्यों भगवान के सामने स्वर्ग आदि की कामना नहीं करती? नहीं साहब वो भी नहीं करते। अच्छा ठीक, अब एक अंतिम बात, तो सम्यक दर्शन ज्ञान की तो कांचा करते हो कि नहीं? नहीं नहीं करते, जे मत बोलो करते हो कि नहीं, ये तक तुम अभी ज्ञान से कह रहे हो, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भी कांचा नहीं करना, ये तो तुम इधर से बोल रहे हो। सही सही बताना,
सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सुना, हम ये सिद्ध करेंगे इसमें कि और कोई की बात तो छोड़ो, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भी कांक्षा नहीं करता। पहले नंबर कहूँ कि आखिरी में कहूँ? सब लिखा है इसमें, पढ़ो इसकी, बहुत जोरदार लिखा है। अब टीका छोड़ देते हैं कि टीका ही पढ़े पहले, चल टीका ही पढ़ते। गाथा कौन सी नंबर है? 230। कारण, कारण के, देखो कहाँ से शुरुआत किया, कारण के निकांक्षा क्यों होती है? कांक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती कांक्षा? कारण के सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मय पढ़ाने लीधे ये अस्ति। पहले दृष्टि में किसे ले लिया? ज्ञायक भाव को। किसको ले लिया? ज्ञायक भाव को। कैसा है वो? टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण का मतलब समझो, जैसे शकर मिठास से भरी हुई है, अब मिठास की कांचा कौन करे? करके बताओ क्यों? शकर से मिठास की कांचा करते हो? कांचा, हे भगवान, आपका इतना दर्शन पूजन किया है, इसके फल में आज मेरी शक्कर मीठी हो जाए क्या? हे शक्कर, आज मेरा मुंह मीठा कर दे क्या? अब कुछ नहीं तो इतनी सी खीर ही मीठी कर दे। पागल है कि नहीं? क्या गजब, ऐसे ही टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ने ली थे, गजब। टांकी से अकेला हुआ, जैसे खचित प्रतिमा है। अब इसे बदल के बताओ, इसे बड़ी करके बताओ। बड़ी करो, नहीं कर सकते क्यों? और टांकी से उकेरी गई है, अब उसमें कुछ विकार आने वाला नहीं है। ये दृष्टांत दिया अपन। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान थी भरे लो, ज्ञान थी अभेद, अनंत गुणे थी, अनंत गुणों थी भरे लो। अब कांचा करो। वैसे हम और कुछ नहीं चाहते, कम से कम दो चार गुणों का ही अनुभव हो जाए, एक पड़ेगा। अक्कल नहीं है तेरे को? ऐसी बातें करते हो क्या? है घर में रसगुल्ले बन रहे थे और बच्चा मेहमानों के पास पहुंचा, मम्मी से कह के इतना सा लड्डू दिला देना, रसगुल्ला दिला देना, तो माँ को कितना गुस्सा आएगा बता सकती हूँ? बच्चे ने मेहमान से जाकर कही ये बात, माँ को ऐसी गुस्सा लगेगी, तूने आज मुझे बिल्कुल नग्न कर दिया उन सबके सामने, मेरी बदनामी करा दी तूने, तुझे ऐसी शंका कैसे हो गई कि मैं तुझे नहीं दूंगी? बोल, आज तक तुझे दिया कि नहीं दिया? देखो शंका की बात आ गई ना, तुझे शंका कैसे हो गई आज रसगुल्ला बनेंगे और तुझे नहीं मिलेंगे, और तू इतना सोचा एक घंटा तूने, और एक घंटा बाद जाके मेहमान से अकेले में कहता है थोड़ा सा रसगुल्ला आप दे देना, मम्मी तो देगी नहीं, क्यों? तुझे शंका कैसे हुई? आखिरकार माँ रो पड़ेगी, इतनी तकलीफ होगी भयंकर। वो मेहमान के सामने गई, बेटा इधर आओ, किस दिन नहीं मिले बेटा रसगुल्ला तुम्हें, तुमने ऐसा क्यों कहा? कि मैंने सोचा शायद आज पाप का उदय हो इसलिए पहले ही जुगाड़ लगा लो। बेटा माँ के आंचल में पाप की शंका नहीं करना, ऐसे ज्ञायक की आंचल में मिथ्यात की शंका नहीं करना, सम्यक दर्शन की कांक्षा नहीं करना, माने रसगुल्ले की कांक्षा नहीं करना। क्या कह रहे? बोलो भैया, आज क्या बात है? पूरा बोलो हमें, अरे पूरा बोलो। हमने तो फिर देख रहे थे नीचे, क्या बात है? आज रात को देर से सोए थे? सही बता, 12 बजे से पहले नहीं सोए? नहीं, 11 बजे तो तुम यहीं बैठे थे हमारे पास। अच्छा कोई बात नहीं, चलो समझ आया। बोलो अब तुम, बोलो पूरा। जैसे मां के आंचल में बालक को पाप के उदय की शंका नहीं होती और रसगुल्ला की कांचा नहीं होती, ऐसे ही ज्ञायक स्वभाव को दृष्टि में लेने के बाद मिथ्यात का भय नहीं होता और सम्यक की कांचा नहीं होती। आगे समझ आया? अब बोलो। बोलो बोलो, ये मेहनत है बेटा, मेहनत है। बोलो तुम, बोलो बेटा। हाँ शाबाश, कोई बात नहीं, डरो नहीं। बोलो, माँ के आंचल में पाप के उदय की शंका नहीं होती, क्या पता लड्डू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कांचा भी नहीं होती। बोलो, होती कांचा होती है। बच्चे को ऐसा लगता है, हे भगवान, माँ ने लड्डू बनाए मिल जाए आज,
ऐसा लगता है कभी? अरे बनाए तो मिलेंगे मिलेंगे, कांचा करने की जरूरत क्या है? हाँ हाँ, आत्मा में ज्ञान के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं, तू ढूंढ क्यों रहा है, चाहे क्यों रहा है? विकल्प ही व्यर्थ है, इसका नाम निर्विकल स्वसंवेदन। विकल्प ही व्यर्थ है। पंडित जी एक बार ज्ञान का वेदन करा दो, पढ़ेंगे? शर्म नहीं आती? आत्मा ज्ञान में ही है, उसमें से ज्ञान ही चल रहा है और ज्ञान का ही तू वेदन कर रहा है, और फिर भी कहता है पंडित जी सम्यक ज्ञान क्या रे थसे जा रे मिथ्यात खसे। और क्या कहते हैं? जब मोह भागेगा तब तुझे सम्यक ज्ञान होगा। हम क्या करें बोलो? जाग तो जीओ वो चाहते क्या जाए। कैसी मीठी मीठी गाथाएं हैं बोलो। अब इसके लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी मुझे, जबकि मैं पहले दिन से सोचा था 8 अंक लेना है मुझे बस। पढ़ो फिर पढ़ो, क्या लिख रहे हैं? कारण के सम्यक दृष्टि संकोच कीर्ण एक ज्ञायक भाव मय पणा, भाव मय पणा, ज्ञायक भाव नहीं क्या, ज्ञायक भाव मय, ज्ञायक भाव मय पणा ने लीधे बंधाय कर्म फणो पित्ते तथा बधा वस्तु धर्मो प्रत्ये कांचानो अभाव होवा थी निष्कांच निर्वांचक छे तेथी तेने कांचाकृत बंधन नथी, बंधन नथी निजराज छे। कर्म के फल, कर्म का उदय आने पर भी वो मांग तो रहा है लाओ भाई रसगुल्ला लाओ। पंडित जी आप झूठ बोल रहे हो, देख लो कांचा करता है वो, कांचा कर रहा है वो, वेद विज्ञान करो। ये तो चारित मोह देख के बोल रहे हो आप, आत्मा थोड़ी है, आत्मा थोड़ी है, ये तो चारित मोह है। दृष्टांत एक देश लेना, मुझे दृष्टांत देने की गंदी आदत है, एक देश दृष्टांत लेना। एक ताप चढ़ता है ताप, तो एक दृष्टांत है खोटो है तद्दन, लेकिन दृष्टांत। अब इतना ताप हुआ कि भाई ने रोटी डाली तो रोटी सिक गई। तो क्यों? अब ये प्रसिद्ध करेंगे कि हमारा दीकरा पर तो हम तवा का काम करते हैं, तो मैंने दीकरा एटले तवा, क्यों दीकरा पे हम रोटी बनाते हैं, क्यों ऐसा कहेंगे? अरे दीकरा पे नहीं, छोकरा पे नहीं, कौन पे? ताप पे। मुझे ताप चढ़ा था ना, उससे उसकी बात कर रहे हो आप। लड़के से कभी रोटी नहीं बनती, लड़के के ऊपर कभी रोटी नहीं बनती। यदि किसी दिन तुमने सेंकी थी तो वो तो ताप था उतना। पॉइंट समझ में कुछ? दोनों भेद ऐसे ही चारित मोह का ताप चढ़ता है ना, तो विषयों में दौड़ता दिखाई देता है। कौन कौन? आपको भी सबको पता है, सबको पता है कि कमाना धमाना बेकार है, करोड़ रुपए जोड़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, एक सेकंड में आंख बंद हो जाएगी, एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाएगा, प्यारी माया पड़ी रहेगी, पैसा है पैसा है, ये सबको पता है। लेकिन कौन दौड़ा रहा है पता है तुम्हें? वो जो चारित मोह का होता है वो दौड़ा रहा है, अभी भी दौड़ाएगा वो। भगवान सर्व सर्वज्ञ भी कहते ना, पैसा में सुख नहीं, पुद्गल में सुख नहीं। स्वामी जी ने तो रोज ही चांटा मारे, उसमें चांटा मारे मैंने ठपका दिया रोज, एक भी प्रयोजन बाकी नहीं है। पुद्गल एज बदूज धूल छे धूल छे धूल छे, पुण्य का उदय धूल छे, धूल लगाई तो धूल मड़ी जैसे, क्या मतलब? उन्होंने बहुत कही ये बात, तो भी बोलो पैसा कमाने का भाव आता है कि नहीं? और ऐसा भाव आता है 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 1 करोड़, 1 करोड़ का 5 करोड़, माने बिल्कुल अंधी दौड़। ये सब मोह के खेल है, मोह के चारित मोह का खेल है। सम्यक दृष्टि को भी 6 खंड की विभूति जीतने का भाव आता है, आता है। हर राजा को अपनी पटरानी बनाने का भाव आता है, एक हर को आता है। भरत चक्रवर्ती को भी सुभद्रा नाम की पटरानी थी, तो उसका जो भाई था ना वो अकड़ गया, हो गए तुम चक्रवर्ती, हम अपनी बहन को आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे हम, हम कोई और लड़का देखेंगे, कोई जरूरी थोड़ी तुम सुंदर हो ताकतवर हो और चक्रवर्ती हो तो तुम्हें ही दें। अकड़ गया वो लड़का, माने भैया उसका साले साहब। अकड़ गया तो हाँ, इतना लिखा है भरते जगह में। इतना गुस्से में बोले भरत, बताओ अभी अपना कोई लड़का हुआ ना लड़का, वो कह मैं इससे शादी करूँ तो कितना बुरा मानती। और भरत चक्रवर्ती खुद कह रहा है आ दीकरी। और एक युद्ध करके जीतना पड़ेगा तो भी जीतेंगी, क्या गजब देखो आप, वे ही भरत चक्रवर्ती हैं जो
उसी भाव से ही। और बिल्कुल उसको डांट दिया बिल्कुल, यदि तुझे हो तो फिर मुकाबला कर। एक कन्या भरत क्षेत्र की कन्या रत्न है, और सात रत्न होते ना, सात रत्न चेतन और सात अचेतन, 14 रत्न होते हैं, सात चेतन, उसमें जो एक कन्या एक रत्न है सात चेतन में, इस पर मेरा अधिकार है। अब तुमने बोला तो समझ लेना जैसे अपना बोलते ना जवान खींच लेंगे ऐसा वैसा, यानी युद्ध करने तैयार। पंडित जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी तृष्णा लड़ाई कर बैठे, इतनी तृष्णा, इतनी भोगों की चाहना, धिक्का रहे ऐसे भोगों को। रुको रुको रुको, धिक्कार है उस चारित मोह को, और धन्य उन भरत चक्रवर्ती को जो उस चारित मोह के उदय इसको भिन्न जान करके, क्या जान रहे थे, अरे क्या जान रहे थे, अरे क्या जान रहे थे, कर्म है, अरे भूल गए पाठ, कर्म रस आप ही नहीं। अब देखो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत मैं जानता हूं बहुत ताकत लगेगी आपको, मैंने ऐसे लड़ पड़े बिल्कुल शादी करने के लिए, और तो अभी जान रहे हैं चारित मोह ऐसे ही नाटक कराता है। एक्चुअली चारित मोह के असंख्यात लोग प्रमाण भेज हैं, और जब आपको नहीं मालूम ना तो आप क्या करते हो, एक भोला भाला पवित्र भगवान ही बचता है उसके सिर पर थोप देते हो, तू ही पापी है, तू ही पापी है, तू कितना पाप करता है, कैसा निंद काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे करता है। मैंने वो पवित्र भगवान को गलती कोई करे और पिटता बेचारा भगवान है समझ आ रहा है क्या, इसलिए अपने भगवान को मत पीटा, मोह को पीटा, किसको पीटा, मोह को पीटा, ये चारित मोह ऐसे नाटक कराता है। आगे समझ में आया, अरे जब मूड ऑफ होता है ना, मूड ऑफ तो उल्टे उल्टे विचार आती, देखा है आपने, मूड ऑफ है तो उल्टे उल्टे विचार आती, दृष्टांत पहले दे चुके कई बार, मूड ऑफ बहुत खराब चीज है, तो वो आदमी खुद समझ जाता है कि आज मेरा मूड खराब है ना, तो ये उल्टे उल्टे विचार चल रहे हैं, तो उसको विश्वास नहीं करता वो, और सबसे कह दे तो देखो आज हमारा मूड खराब है ना, कोई बोलना मत हमसे, आज आज हमसे हमारे सामने कुछ हरकत नहीं करना, बच्चे बेटा तुम बाहर खेले आओ, घर में नहीं खेलो आज, हमारा थोड़ा मूड गर्म है। मैंने उसे पता है अब भी हरकत होगी पिट जाएंगे बच्चे, अभी घर में उधम हो जाएगा, अभी तकलीफ हो जाएगी, मैंने इसका नाम है वो मूड को पहचानता है, तो मूड को भिन्न देख लिया और अपने को भिन्न देख लिया, होता कि नहीं होता, ऐसे ही बस मूड है ना ऐसे चारित मोह, वो तो भैया ऐसे ही नाच नचाएगा, लेकिन हम सावधान रहेंगे, देह की प्रवृत्ति हो तो हो, लेकिन हम तो ज्ञायक ही, समझ में आया, कर्म अब याद हो गया, चलो आगे चलो, कहाँ तक आ गए थे, कर्म के उदय, देखो कह ले बंधाए कर्म फड़ो प्रत्यय, दूसरी लाइन टीका की, कर्म फड़ो प्रत्यय तथा बधा वस्तु धर्मो प्रत्यय कांचा कांचा न अभाव हुआ थी, हो अभाव हुआ कैसे जी बताओ, अभाव हुआ कैसे, ऐसे ही हो गया क्या, अब समस्त वस्तु धर्मों, इसकी बात समस्त वस्तु धर्मों, तो क्षेत्र भी लगा लो, बताओ तुम्हें किसकी कांचा हो रही, तो हमें उनका धर्म मालूम है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में को मिलता नहीं, कांचा क्यों करें, क्यों तो, क्या नाम बेटा तुम्हारा, दीपेश, हम भूल गए, देखो एक दिन और बताया था तुमने, हम भूल गए, दीपेश तुमने फेरारी कार खरीदने का विकल्प आया कि नहीं आया, नहीं आया क्यों, जैसी फेरारी वैसी सेंट्रो वैसी मारुति, देखो तुम्हें आया, तुम्हें भी नहीं आया क्यों, मुकेश आया तुम्हें, आया कि नहीं, फेरारी का आया, अच्छा देखो गजब बात, मैंने जो अपनी शक्ति सामर्थ्य में ना हो, जो अपन मिल ही नहीं सके, उसका विकल्प नहीं आता, ये कहना है हमको, ऐसे ही ज्ञानी जानता है पर पदार्थ मुझे मिल ही नहीं सकता मिल ही नहीं सकता, जब नहीं मिल सकता तो उसका भाव भी नहीं आता, अत्यंत भाव जानने के बाद, अभोक्ता स्वभाव जानने के बाद कांचा नहीं होती, होती नहीं। अब दिक्कत क्या है, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं वो मोह है ना, वो मोह फिर इंडिक्ट करता है, देखो मुनियों के पास दो कौड़ी हो तो वे दो कौड़ी के नहीं, और ग्रस्त के पास दो कौड़ी नहीं हो तो वे दो कौड़ी के नहीं, इसलिए पैसा कमाओ, आचार्यों ने भी कहा है पैसा कमाओ, झट हाँ बात तो साँची थी, मैं ग्रस्त हूँ ना,
पैसा कमाना पड़ेगा, ग्रस्त हूँ ना पैसा कमाना पड़ेगा, ग्रस्त हूँ ना, चलो 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 चलो, मूर्ख बन गए, देखो मूर्ख बन गए। तो ग्रस्त है कि भगवान है, भूलेंगे ये मोह ऐसे जोतता है, मोह ऐसे जोतता है भला। अब यहाँ से वेद विज्ञान की जरूरत है, मैं ग्रस्त नहीं हूँ, समाधि तंत्र में पढ़ लेना, और भी जगह पढ़ लेना, इसमें भी पढ़ लेना, समय सारजी में भी गाथा है। हाँ हाँ क्या है, पढ़ के सुनाऊं गाथा, निकालना जरा 411 के लगभग निकालो जरा, बहुत सुंदर गाथा है। हाँ 410 411 दोनों ही है, पेज 580 581 देखो। मुनि लिंग ने ग्रहि लिंग ए लिंगो न मोती मार्ग छे चारित्र दर्शन ज्ञान ने बस मोक्ष मार्ग जिनो। क्या तुम ग्रस्त हो कि मुनिया? पंडित जी अभी तो ग्रस्त हो, फिर मुनि बनना है बस। ए मोह कह रहा है जी कौन कह रहा है जी, अभी तो ग्रस्त हो फिर मुनि होऊंगा, ये क्या लिख रहे हैं? ए लिंगो न मुक्ति मार्ग छे, मार्ग ही नहीं है। अब क्या क्यों सोचते हो तुम, क्यों सोचते हो? आगे देखो, ते थीत जी सागर के अणगार धारित लिंग ने चारित्र दर्शन ज्ञान मातु जोड़ रे ने जात काय में जोड़ो, चारित्र दर्शन ज्ञान में आत्मा को जोड़, इसमें उपयोग लगा, मैं ज्ञान दर्शन चारित्रमय हूँ आनंदमय हूँ। फिर जरा मोह ने कह दिया ग्रस्त था, पत्नी है बच्चा, इनका क्या होगा? झट सही बात है, पत्नी बच्चे का क्या होगा, चलो 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 चलो, फिर भाग चले। ठीक है चारित्र मोह भागता है, लेकिन अपन चारित्र मोह को भिन्न देगा, स्वामी नहीं बना, भिन्न देगा। हा 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 हा, सागर अनगार समझ में आया, सागर माने ग्रस्त, अनगार माने मुनि, मैं दोनों ही नहीं हूँ। नशा चढ़ जाता है बहुत जल्दी, नशा चढ़ता है भाई, ए मोह थी सावधान, बहुत जल्दी नशा चढ़ता है, जरा सावधान रहना जरा वो पढ़ना भाई, निसंक निसंक सततम स्वयं ससगजम ज्ञानम सदा बिन। मैं तो निरंतर ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, ज्ञानम सदा 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 सदा। ए पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, ज्ञानम सदा बिंदती। ओम नमः शिवाय।